गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज टॉपिक बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हम लोग नोट्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन बहुत ही कम, जहाँ ज़रूरत हो वहीं प्रिपेयर करेंगे और बहुत सारा आइटम को डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट के अंदर में ले आएंगे विदाउट नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन एक्सटेडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आरके ज्वेलर्स लिमिटेड, डेट देखिए 31 मार्च 2019। ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, 100 ईच है, तो इसका मतलब 2,400 शेयर हो जाएगा। ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। अंडरराइटिंग कमीशन लॉस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके रिकॉर्ड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कुछ बोला हुआ नहीं है, हम इसको नॉन करेंट एज्यूम कर लेंगे, नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में लेंगे। लोन्स एंड एडवांस को शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एज्यूम कर लेंगे, तो ये आपका करेंट एसेट्स के हेड में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन है, लोन मींस बोरोइंग होता है। रिजर्व सरप्लस, तो रिजर्व सरप्लस सही है, उसी में से वो अंडरराइटिंग कमीशन लेस हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट देखिए एट कॉस्ट लिखा है, तो इसका डेप्रिसिएशन होता है, तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन माइनस करके रिकॉर्ड किया जाएगा। करेंट एसेट अपना हेड दिया है, करेंट एसेट्स के रूप में लिख देंगे, करेंट लायबिलिटी को करेंट लायबिलिटी के नाम के सामने लिख देंगे। ओके, और रहा अनसिक्योर्ड लोन, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन हमेशा बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में रखेंगे। अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट का बात। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल का एक नोट्स टू अकाउंट करेंगे, रिजर्व सरप्लस का एक नोट्स टू अकाउंट करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का एक नोट्स टू अकाउंट करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा फिक्स्ड एसेट का एक नोट्स टू अकाउंट करेंगे। चार नोट्स टू अकाउंट कर देंगे। अब बाल बाकी आइटम को डायरेक्टली लिखने का कोशिश करेंगे। यहां देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल के दिया है, 15,000 का क्लेम है। ओके, नॉट एक्नोलेज्ड एज डेब्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में चला जाता है, दैट इज नोट्स टू अकाउंट में दिखा देंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी को, तो ये एक नोट्स टू अकाउंट में दे देंगे, ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपका होता है पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का डिटेल नहीं है, इसलिए डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये भी डॉट डॉट ही हो जाएगा। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल, जो हम लोग का सब्सक्राइब कैपिटल में 2,400 शेयर था, चाहे तो उसी को लिख सकते हैं 2,400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 2,40,000 इसी को रिकॉर्ड कर दिए। सब्सक्राइब कैपिटल भी वो था एक्चुअल में, उसको लिखते हैं 2,400 इक्विटी शेयर, 2,400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, एक वर्ड दे देते हैं फुल्ली पेड अप, कोई एरियर नहीं होने से उसको फुल्ली पेड अप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल। दो नंबर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से ही अमाउंट दिया हुआ था। रिजर्व एंड सरप्लस आपको 1,98,000 दिया हुआ था, लेकिन इसमें से हमको अंडर राइटिंग कमीशन माइनस करना होगा।
अंडरराइटिंग कमीशन इज लॉस, अंडरराइटिंग कमीशन को रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट से एडजस्ट कर देते हैं, वो आपका 12,000 था, 186,000। क्लियर है? तो ये दो नोट्स टू अकाउंट हुआ, चार बनाने का हम लोग डिस्कस किए थे। नंबर थ्री, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर में सिक्योर्ड लोन लाते हैं 90,000, सिक्योर्ड लोन्स 90,000। सिक्योर्ड लोन्स मतलब मोर्टगेज लोन्स, इसके अगेंस्ट में कोई चीज सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है। अनसिक्योर्ड लोन्स का अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं होता है, 30,000। दोनों प्लस कर दिए, 1,20,000। और एक नोट्स टू अकाउंट का बात किए थे, वो फिक्स्ड एसेट्स का था। फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल, इसके अंडर में आइटम था फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट का अमाउंट था 546,000, इससे माइनस होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1,26,000, रिजल्ट विल बी 420,000। तो ये नोट्स टू अकाउंट बात हुआ था, चार नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए चारों प्रिपेयर कर दिए, ठीक है। शेयर कैपिटल मेन होता है, इसके अलावा दो लोन था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ले लिए, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, और भी है आइटम, उसको डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में फिलअप कर लेंगे, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट को कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी से बढ़ाते हैं। ये देखिए, देयर इज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम 15,000 अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नोलेज्ड एज डेट। ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, नोट्स टू अकाउंट में इसको दिखा दिया जाता है, ठीक है। इसको नंबर सीरियल 5 में दे देते हैं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वो कम क्लेम अगेंस्ट कंपनी, क्लेम अगेंस्ट कंपनी, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में शो हो जाएगा, क्लेम अगेंस्ट कंपनी रुपीज 15,000, ओके, ठीक है। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। कहा आपके सामने फॉर्मेट, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में शेयर कैपिटल, इसके अंडर में रिजर्व एंड सरप्लस। बी नंबर, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर आपको याद हो तो इसका नोट्स किए थे, 1, 2, 3। शेयर कैपिटल आपका आया था 2,40,000, रिजर्व सरप्लस था आपका 1,86,000, लोन आया था 1,20,000। आपको एक बार फिर से शो कर देते हैं, ये देखिए, शेयर कैपिटल 240, रिजर्व सरप्लस 186 और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखिए 120, ओके। तो ये हो गया हम लोग का ए और बी। अब आते हैं करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज का बात करते हैं तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो करेंट लाइबिलिटीज डायरेक्टली दिया हुआ है 197,400, और यहां देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाएगा, ओके। तो करेंट लाइबिलिटीज में उसको हम फिर से एक बार लिख देते हैं, करेंट लाइबिलिटीज, और उसको देते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म
प्रोविजंस। तो करेंट लायबिलिटीज देते हैं 197,400 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन देते हैं 90,000। अब इसको प्लस कर देंगे, दिस इज आवर टोटल। ओके, इसका टोटल हो गया आपका 833,400। ओके, ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी। अब आते हैं एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर देंगे नॉन करेंट एसेट्स। इसके अंडर में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल। इसका हम लोग नोट किए थे नोट नंबर 4। ठीक है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल का नोट नंबर 4 से अमाउंट आया आपका 420,000। इसके बाद यहां लाते हैं हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आपका अमाउंट था 114,000। इसके बाद बी नंबर लाते हैं आपका करेंट एसेट्स बोल के डायरेक्टली दिया हुआ था 293,400। ठीक है, और एक लोन्स एंड एडवांस था, इसको इसी के अंडर में हम शॉर्ट टर्म मान लिए थे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 6,000 था, उसको हम शॉर्ट टर्म एज्यूम किए थे, इसलिए करेंट एसेट्स के कॉलम में ले लिए। दिस इज आवर टोटल। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल करके चेक करते हैं, हमारा टोटल इक्वल होना चाहिए। यस, हम लोग का टोटल आ गया 833,400। तो ये हम लोग का टोटल अगर मैच किया है तो हम लोग बैलेंस शीट सही बनाए हैं। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100%